आज के संदर्भ में जो हिमाचल प्रदेश हमको दिखता है या हिमाचल प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है उसको बनने में, बनाने में और यहाँ तक पहुँचाने में जो उनकी दृष्टि थी, विजन था, उसका बहुत बड़ा योगदान है। जब वो मुख्यमंत्री थे तब तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश के विकास में एक प्रमुख योगदान दिया, लेकिन उनका जो विजन था उसको मुसलसल आगे सरकारों ने, जो अगले मुख्यमंत्री और ठाकुर रामलाल जी के रूप में, आदरणीय श्री वीरभद्र सिंह जी के रूप में, शांता कुमार जी के रूप में, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के रूप में या जयराम जी के रूप में, और वर्तमान में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू जी के रूप में, जो उनका विजन था, दृष्टि था, उसको आगे ले जाने में काम कर रहे हैं। इसीलिए हिमाचल प्रदेश आज अग्रणी राज्य के रूप में सारे देश में जाना जाता है। Is it a pride moment for you to celebrate this anniversary? It is indeed a pride moment for me as a Vidhan Sabha speaker. This program was organized in the Vidhan Sabha premises and I'm not only happy but I'm this is a proud moment for me to preside over this function as a chief guest. Thank you. देखिए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के जीवन से हमको एक चीज नहीं, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना, लक्ष्य कितना भी कठिन हो, मुश्किल हो, जटिल हो, लेकिन उसको हासिल किया जा सकता है, और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको त्याग करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। वो एक जज की भूमिका निभा रहे थे लेकिन उनको लगा कि इस लक्ष्य को हासिल करना ऐसी परिस्थिति में संभव नहीं, इस दायित्व पर उन्हें वो दायित्व छोड़ा और छोड़ करके हिमाचल प्रदेश जो आज हमारे सामने है इसको बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए उनको हिमाचल प्रदेश निर्माता के रूप में हम कहते हैं और जानते हैं। और स्वाभाविक रूप से उस वक्त की कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने आने वाले समय के लिए कि हमारा विजन क्या होना चाहिए, काम करने का तौर तरीका क्या होना चाहिए, हमारी प्राथमिकता है इस हिमाचल जैसे भौगोलिक दृष्टि से जो कठिन प्रदेश है इसमें किस प्रकार की होनी चाहिए, उनको इंगित किया, उनको प्रायोरिटाइज किया और उसके बाद उन पर काम किया। जब तक मुख्यमंत्री रहे तब तक के लिए खुद उन्होंने काम किया और उसके बाद आज भी हमारे लिए उनके बताए हुए जो रास्ते हैं वो निश्चित रूप से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और इसलिए मैं इस बात को कह सकता हूँ, उनके जीवन से बहुत सारी चीजों को लेकर के हमको प्रेरणा मिलती है। हम जनप्रतिनिधि होने के नाते समाज के लिए हैं, समाज के लिए हम काम करें, और जिस प्रकार से ईमानदारी के साथ उनने काम किया और अपना मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करने के बाद सब्जी का बैग लेकर के मार्केट जाना, सब्जी खुद लाना, राशन खुद लाना, सामान खुद लाना और बस में ट्रैवल करना, तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सहज रूप से हर व्यक्ति को प्रेरणा देती है।